राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की अपार सफलता के बाद सरकार ने शहरी ओलंपिक का आयोजन करने का फैसला जनवरी में लिया था, लेकिन किसी कारण के चलते इसको टाल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। इन खेलों को लेकर मंत्री चांदना ने बताया कि इन खेलों के माध्यम से लोगों में भाईचारे की भावना तो बढ़ी और साथ में अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाने का खुला मंच भी मिला। 23 जून से राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होगा। इसके लिए सरकार ने 130 करोड़ बजट का प्रावधान भी रखा है, जो पिछली बार 40 करोड़ ही था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून से खेलों का शुभारंभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इन खेलों का समापन समारोह का कार्यक्रम हो। शहरी ओलंपिक खेलों में 3 स्तरों पर एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 4 स्तरों पर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इन खेलों का आयोजन का ही परिणाम है कि खेलों के इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 48 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। शहरी ओलंपिक के लिए 9,00,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया था और इसके बाद सरकार ने लोगों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर इसका आयोजन करवाने का फैसला किया है। चांदना ने कहा कि राजस्थान ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए खेलो इंडिया में देश में 4th स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं में 7 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल एवं बास्केटबॉल और खो खो बालिका वर्ग के लिए। साथियों, आप सभी, सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पर विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ इससे पूर्व में ग्रामीण ओलंपिक्स, जो कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार का और खेल विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट रहा, जिसके अंदर की हाईएस्ट यूथ पार्टिसिपेशन, यूथ के अंदर बड़ा लोकप्रिय ग्रामीण ओलंपिक्स रहा। साथ ही साथ केवल यूथ नहीं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ में भी बड़ा लोकप्रिय रहा। और तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि अब ग्रामीण के साथ साथ शहरी ओलंपिक्स भी होंगे। पूर्व में शहरी ओलंपिक्स के हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए थे और 9,50,000 के आसपास केवल शहरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब हम ग्रामीण के लिए भी इसको खोलने वाले हैं। आज हम इसको पोर्टल लॉन्च के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि पिछली बार 30,00,000 बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बच्चे रजिस्टर होने के बाद भी कितनी पॉपुलर डिमांड थी कि ये पोर्टल खोला जाए और बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेशन करने के मन में थे। तो हमें विश्वास है कि पिछली बार से इस बार 1.5 गुना 2 गुना ग्रामीण ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेशन होगा और इसी कार्यक्रम के लिए हमने आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इस बार, पिछली बार बजट 40 करोड़ था, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी और ग्रामीण मिला के 130 करोड़ का बजट ग्रामीण ओलंपिक में देने का एक तोहफा राजस्थान के युवाओं को, खेल प्रेमियों को दिया है। साथ ही साथ इसकी डेट तय हो गई है कि ये 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के ऊपर ये शुरू होगा और 29 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन हम इसका समापन करेंगे। इसके अंदर शहरी और ग्रामीण में आने वाले खेल मैं आपको बता देता हूँ। शहरी ओलंपिक्स के अंदर बालक बालिका वर्ग कबड्डी, बालक बालिका वर्ग टेनिस बॉल क्रिकेट, बालिका वर्ग खो खो, बालक बालिका वर्ग वॉलीबॉल, 100, 200, 400 मीटर बालक बालिका एथलेटिक्स दौड़, बालक वर्ग में फुटबॉल, बास्केटबॉल में बालक एवं बालिका वर्ग। वैसे फुटबॉल भी बालक बालिका कर सकते हैं, इसके ऊपर कर देंगे। फुटबॉल बालक एवं बालिका ही आप मान ले कि हम इसमें बालिका को भी इंक्लूड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े। वहीं ग्रामीण ओलंपिक के अंदर बालक एवं बालिका वर्ग कबड्डी, बालक एवं बालिका वर्ग टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो में केवल बालिका वर्ग, वॉलीबॉल में बालक एवं बालिका वर्ग, रस्साकशी में बालिका वर्ग और महिला वर्ग, फुटबॉल में बालक एवं बालिका वर्ग, शूटिंग बॉल में बालक वर्ग, ये सारे खेल, तकरीबन 7-7 खेल शहरी और ग्रामीण में इंक्लूड किए गए हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन
तकरीबन पूर्व की तरह ही, कोई ज़्यादा बदलाव इसके अंदर है नहीं। इस संबंध में यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमने क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम, ये दो तीन लेवल के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अपन ने शहरी ओलंपिक के टाइम बताया था जी। बाकी हम लिखित एक बार सेक्रेटरी साहब आप बता देंगे उसके। शहरी क्षेत्र में अपने सभी, ग्रामीण में तो आप भली भांति परिचित हैं, ग्राम पंचायत लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। शहरी में वार्ड स्तर पहला स्तर हो सकता है, लेकिन वार्डों की पॉपुलेशन कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये रखा गया था कि नगर पालिका लेवल पे एक लेवल रहेगा। नगर परिषद को हमने 4 या 5 हिस्सों में पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा था, और फिर नगर निगम, वहाँ भी उसी तरह से वार्डों का क्लस्टर बना के, वो फर्स्ट लेवल था कि नगर पालिका, नगर परिषद के 4 या 5 और नगर निगमों के क्लस्टर। सेकंड लेवल उसमें शहरी में भी जिला स्तर, और थर्ड लेवल राज्य स्तर। तो शहरी में 3 स्तर होंगे, ग्रामीण में 4 स्तर। ग्रामीण में जिला स्तर तीसरा है, और शहरी में जिला स्तर दूसरे नंबर। जिला स्तर में ग्रामीण और शहरी एक साथ हो जाएंगे। हमने ग्रामीण ओलंपिक करने के ऊपर 11,500 पंचायतों के ऊपर खेल मैदान की, उस समय भी यही समस्या थी। लेकिन आप जानते हैं, जब मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम होता है और वो किस प्रकार से रूपरेखा तैयार करते हैं, उससे पहले सारे विभाग मिलके ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि आयोजन शानदार हो, ऐतिहासिक हो और यादगार हो। महंगाई राहत कैंपों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसा बोला वैसा ही सुविधा लोगों को मिल रही है। मैं तो खुद कल 4 कैंप में जाके आया हूँ और बहुत अच्छा टर्नआउट हो रहा है। एक एक कैंप में हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और एक एक दिन में 300-400-500 लोगों को फाइनल उनको किट दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक में भी मैदानों की कोई समस्या आएगी नहीं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि स्कूल्स के और कॉलेजेस के, शहरों में क्या है कि खेल विभाग के मैदान तो कम हैं, लेकिन स्कूल्स के और कॉलेज की जो प्रमाइसेस हैं, सोसाइटीज़ के प्रमाइसेस हैं, क्लब्स के प्रमाइसेस हैं, वहाँ पर खेलों की सुविधाएं हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैंने पूर्व में भी जब ग्रामीण ओलंपिक लॉन्च हुआ था, तब अनेकों बार ये सवाल किया गया कि क्या इससे ओलंपिक तक की दौड़ दौड़ पाएंगे या कैसे ये मदद करेगा। एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, ग्रामीण ओलंपिक शहरी ओलंपिक एक नर्सरी है। इस नर्सरी से बहुत सारे बच्चे खेलों के मैदान पर उतरेंगे, बहुत सारे माता पिता खेलों के मैदान पर उतरेंगे, और एक खेलों का वातावरण गांव-गांव में, जो कोरोना काल के बाद में एक नकारात्मक वातावरण बन गया था, उसकी जगह एक सकारात्मक वातावरण बनकर खेलों का वातावरण बनेगा। उसके आगे तो जिन लोगों में लगन लगेगी, वो जिस प्रक्रिया से पूर्व में राजस्थान सरकार ने पिछले 4 सालों में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, खेल प्रेमियों को मनोरंजन देने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं, उससे निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे TADA डबल करने की योजना है, ओलंपिक्स की 5-5, 10-10 गुना राशि कर देने की योजना है, चाहे वो आउट ऑफ टर्न में अमेंडमेंट करने की योजना है, चाहे वो 2% में अमेंडमेंट करके उनका भविष्य सुरक्षित करने की योजना है, चाहे वो स्टेट गेम्स कराने की योजना है। आप देखेंगे कि आज से 3 साल पहले लगातार 6-7 बार खेलो इंडिया हुआ, कभी भी राजस्थान का मेडल की तालिका 15 से ऊपर नहीं गया, और कभी भी राजस्थान स्टेट्स में टॉप 10 में नहीं घुसा। लेकिन इस बार 48 मेडल, 13 हाईएस्ट होते थे, 48 मेडल, मतलब कि लमसम 4 गुना 48 मेडल राजस्थान ने प्राप्त किया, और टॉप 4 मेरा 4th नंबर पर रहा। वो मैं हमेशा कहता था, मैं शायद आप मेरे हर भाषण में सुनेंगे कि इस 3-4 साल में जो हम योजनाएं चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में राजस्थान नंबर 1 होगा देश के अंदर। अभी 4 पे तो पहुंच गया है, 15-20 होता था नंबर, जो 4 पे तो पहुंच गया है, और अब कंपटीशन टफ है, लेकिन धीरे धीरे साल की एक सीढ़ी जरूर चढ़ेगा। कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर उम्र के व्यक्ति को खेलना चाहिए। मैं तो खुद कोशिश करूंगा कि मैं भी किसी न किसी गांव से, हमारे गांव से रजिस्ट्रेशन किसी न किसी गेम में करूं,
और मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, जितने प्रोफेशनल्स हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने मीडिया के साथी हैं, जो लोग जितने वकील हैं, उनसे सबसे आग्रह करूंगा, जिस भी लाइन में वो हैं, कम से कम आप एक ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में भाग लें, ताकि आपके गाँव में, क्योंकि आप लोग कामयाब लोग हैं आपके गाँव के, आप जब ग्रामीण शहरी ओलंपिक में खेलेंगे तो आपके गाँव के बच्चों को, बच्चियों को आपसे प्रोत्साहन मिलेगा, आप लोगों को खेलते हुए देखकर। और मुझे लगता है कि समाज के लिए, मुझे लगता है कि आप सबकी इच्छा है, इतना हमको करना चाहिए। नहीं, वोटर तो एक ही जगह का हो सकता है ना, वो तो मतलब रिहाइश तो एक ही जगह की होगी, तो वो वहीं का, जहाँ का वो वोटर है वो वहाँ पर। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, उसको ओपनिंग हो रही है। 29 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है, उस दिन समापन समारोह बने। शहरी का तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया 9.5 लाख, आज से ही ओपन है ग्रामीण ओलंपिक्स का जो है, शहरी भी साथ में खोल देंगे, और लोग अगर रजिस्टर्ड होना चाहेंगे ग्रामीण ओलंपिक के दौरान तो और भी हो जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। देखिए, जब 2019 में 18 दिसंबर के अंदर, तो 19 ही मानेंगे, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी बनी, तब 2014-15 से पेंडिंग थे हम, 14-15 से TADA का एसोसिएशन और बच्चों का क्लियर करते 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 21 से आगे निकल गए, 21 तक हमने क्लोज कर दिए हैं। तो हमने 4 साल के अंदर लमसम 7 साल का काम किया है, 1.25 साल की पेंडेंसी अभी हो सकती है, लेकिन इसको भी हम जल्दी करेंगे। हम अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले हम 22 पूरा क्लियर, और 23 तक भी जो अप्लाई हो चुके होंगे वो क्लियर करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता। स्थायी समिति की बैठक बुलाने का, जिनके मैं समझता हूँ कि जल्दी होगी, क्यों नहीं होगी, स्थायी समिति बनी है तो बैठक करने के लिए बनी और फैसले करने के लिए बनी। पत्राचार शुरू हो गया है परमिशन के लिए, और उसका मूल्यांकन हो रहा है, और निश्चित रूप से, क्योंकि एक बार डिमांड निकालेंगे, फिर डिमांड जमा होगी, फिर परमिशन ग्रांट होगी, तो निश्चित रूप से वो पत्राचार चालू हो गया है। कुर्सियाँ भी लगाना, छोटे बॉक्सेस भी पहले लगाते थे, वो सब नज़रअंदाज करते हैं कि राजस्थान के खेल प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिले, उनके चहेते सितारों को उनको देखने को मिले, उनका गेम देखने को मिले। ये एक बड़ा खुशी का मुझे लगता है खेल प्रेमी के लिए दिन होता है। लेकिन जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं, उनकी बिल्कुल एप्लीकेशन आ चुकी है और उसके ऊपर काम चल रहा है, और उसके जो भी नियमानुसार जो बनता होगा वो विभाग उसकी रिकवरी देगा और वो जमा कराएंगे, परमिशन दे देंगे। नहीं, हमारे देखिए जो विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और हमारे वहाँ पर जो जिनका कार्यालय है, उनसे मिलने तो जिनको काम होगा वो आएंगे ही, इसी के लिए वो कार्यालय बना रखे हैं, बिल्कुल मिलेंगे, उनका काम भी करेंगे। नहीं, ये तो जनरल एक परफॉर्मा है, विशेष कोई दरकार नहीं, बट एक जनरल परफॉर्मा है, जैसे और विभागों में भरी जाती है वैसे इसको भरा जाता है। नहीं, वो तो मेरी बात सुनिए, वो तो ना तो कोई धर्म होता है खिलाड़ी का, ना कोई जाति होती है। स्पोर्ट्समैनशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा मजहब है, खेल अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है। मैं समझता हूँ कि जो बॉन्ड खिलाड़ियों की साथ में रहकर, साथ में खेलकर बनती है, वो ब्लड बॉन्ड से भी कई बार ज़्यादा मजबूत होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जनरल परफॉर्मा है, इसलिए जनरल परफॉर्मर के तौर में जैसे और जगह पर अपनी डिटेल देते हैं, वैसे इसमें भी आ जाती है। वो आगे भी नहीं सोच होगा ये सोचकर प्रयास करने भी बंद कर देने चाहिए, किसी को तो प्रयास करने पड़ेंगे, और ये प्रयास की अच्छी शुरुआत है। पिछली बार पहली बार हुआ, इस बार दूसरी बार हो रहा है, और आगे बेहतर होगा। इन 4 सालों में जो प्रयास हुए, मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया कि खेलो इंडिया से बड़ा इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का, उसमें कभी भी राजस्थान के 15 से ज़्यादा मेडल नहीं आए, और 10 के अंदर रैंकिंग नहीं आई स्टेट्स में। इस बार 48 मेडल्स आए, और 4th नंबर इन ऑल इंडिया, इन ऑल स्टेट्स, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 मध्य प्रदेश, एंड नंबर 4 राजस्थान। सो राजस्थान हैज मेड इट इन टॉप 5, एंड इट इज़ गोइंग टू क्लाइम विथ एवरी ईयर। तो वो तो फर्क दिख रहा है। आप हर चीज़ को, मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि हर चीज़ को मेडल से क्यों जोड़ा जाता है। जनरल वेलनेस भी कोई चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति मेडल नहीं लाएगा उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? उस नहीं, मैंने अभी ये सवाल पहले भी आ गया, मैंने उसका एक बिल्कुल क्लैरिटी से जवाब दे दिया कि यदि कोई व्यक्ति मेडल नहीं ला सकता तो उसको खुशी से जीने का अधिकार भी हम छीन लेंगे क्या? कम से कम ये ग्रामीण ओलंपिक खुशी देता है, ये अच्छी हेल्थ देता है, गाँव के अंदर एक सकारात्मक वातावरण देता है,
ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है मेडल्स के अलावा, आप समझिए मेरी बात को, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी उपलब्धियाँ हैं। मेडल एक ही बार या दो बार अपने जीवन में कोई व्यक्ति ला सकता है, देश के लिए 5-10 व्यक्ति ला सकते हैं, लेकिन 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, अब हम चाइना के बराबर होने वाले हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या खुशी के साथ सौहार्द के साथ साथ में रहे, इसमें खुशी और सौहार्द में ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक जैसे आयोजनों का बहुत बड़ा रोल है। जब वहाँ पर एक मैदान में घुसते हैं तो लोग जाति पाति भूल जाते हैं, धर्म भूल जाते हैं, उम्र भूल जाते हैं, सारे वाद भूल जाते हैं, वहाँ जीतने की और अपने गाँव का मान सम्मान की बात रह जाती है। तो वो मुझे लगता है कि वो एकता और अखंडता बनाने में देश के एक बिगर अगर आप कैनेपी के अम्ब्रेले के अंदर लेंगे तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है। नहीं, एक लिस्ट अभी ऑलमोस्ट तैयार है, उसकी प्रक्रिया है, क्रीड़ा परिषद के अधीन अभी प्रक्रिया जारी है और अभी तो नंबर वही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।